दोस्तों, अगर आप 110 cc में स्कूटर लेने को सोचते हैं तो आपके मन में सबसे पहले दो स्कूटर का ख्याल आता है, होंडा एक्टिवा और दूसरा है टीवीएस की जुपिटर। होंडा एक्टिवा दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटर है, और टीवीएस की जुपिटर की बात करते हैं दोस्तों तो ये लगभग दूसरे नंबर पर रहती है। और दोस्तों 110 cc में सबसे ज़्यादा कंपटीशन यही दोनों स्कूटर्स की होती है, इसलिए दोस्तों ये दोनों स्कूटर्स की कंपैरिजन करने वाला हूँ। आपके लिए कौन से कंफर्टेबल रहेगा और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम डिजाइन मॉडल लुक की बात कर लेते हैं। तो एक्टिवा 6G में ठीक ठाक मॉडल देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा लुक देखने को मिल जाता है, कलर ऑप्शन भी ठीक ठाक मिल जाता है। यहीं पे टीवीएस की जुपिटर की बात करते हैं तो इसमें आपको कलर ऑप्शन ज़्यादा मिलता है, इसमें आपको तीनों वेरिएंट मिला के 8 कलर देखने को मिलता है। तो कहने कहीं दोस्तों डीएन मॉडल लुक ठीक ठाक देखने को मिल जाता है टीवीएस की जुपिटर में भी। दोस्तों डीएन मॉडल लुक किसकी अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं दोनों स्कूटर्स के इंजन की। तो एक्टिवा 6G में इंजन मिलता है 109.51 cc का, सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, फैन कूलर, BS6 फ्यूल इंजेक्शन आपको देखने को मिलता है। पावर निकालती है 7.8 BHP 8000 RPM पर, टॉर्क निकालती है 8.79 Nm 5250 RPM पे। इसमें सेल्फ और किक दोनों मिल जाता है स्टार्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो टीवीएस जुपिटर की बात करते हैं तो इसमें आपको इंजन मिलता है 109.7 cc का, सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, BS6 इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इसमें देखने को मिलता है। पावर निकालती है 7.8 BHP 7000 RPM पर, टॉर्क निकालती है 8.4 Nm 5500 RPM पे। इसमें भी आपको सेल्फ और किक दोनों मिल जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पावर और टॉर्क ज़्यादा देखने को मिल जाता है एक्टिवा 6G में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें आपको थोड़ा सा टॉप स्पीड ज़्यादा मिल जाएगी एक्टिवा 6G में। दोस्तों दोनों स्कूटर्स के फीचर्स की बात कर लेते हैं। टीवीएस जुपिटर की बात करते हैं तो इसमें आपको ETFI टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन। दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट रख दूंगा, इसका क्या क्या काम है दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा नाम बताने से वीडियो लंबी हो जाती है। जैसे इसमें आपको 15% माइलेज मिल जाएगी ज़्यादा पहले के मुकाबले। ऑल वेदर इजी स्टार्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में इजी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी भी बेसिक पे ये काम करती है ETFI इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन। इसमें आपको मोबाइल चार्जर पॉइंट मिल जाएगा, इसमें आपको इको मोड और पावर मोड मिल जाता है। अगर आप इको मोड में चलाते हैं तो इसमें आपको माइलेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको इसमें हैलोजन बल्ब देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको फुल LED हेडलाइट मिल जाएगा। 6ठे नंबर की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको एनालॉग मीटर मिलता है, इसमें आपको डिजिटल मीटर नहीं मिलता है। और 7वें नंबर की बात करते हैं तो इसमें आपको 21 लीटर का बड़ा यूनिटी बॉक्स मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक्टिवा 60 की बात करते हैं तो इसमें आपको ESP टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। दोस्तों इसका ये काम है आपको 10% ज़्यादा माइलेज मिलेगी पहले के मुकाबले, और इसमें आपको ज़्यादा स्मूथ इंजन मिलेगा, कम वाइब्रेशन होगा, इसी बेसिक पे ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों। इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट विद ACG मोटर मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं इसके बारे में जानते होंगे आप। इसमें आपको डबल लीड एक्सटर्नल फ्यूल फिल मिलता है। 4ठे नंबर की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको प्रोग्रामेड फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको इंजन स्टार्ट और स्टॉप स्विच मिल जाता है। दोस्तों इसे 2-in-1 कह सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप वहीं से इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं से इंजन ऑफ कर सकते हैं। 6ठे नंबर की बात करते हैं जिसमें आपको डबल फंक्शन यूनिट मिलेगा। दोस्तों ऐसा ये काम ऐसा करता है कि ये अगर आप सीट या तेल भरवाते हैं या फिर सीट खोलते हैं तो आपको चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। TVS की जुपिटर की तरह बटन दिया गया है, वैसे आप तेल भरवा सकते हैं, वैसे आप सीट खोल सकते हैं। 7वें नंबर की बात करते हैं जिसमें आपको LED DC हेडलाइट देखने को मिल जाता है डिलेक्स मॉडल में, और स्टैंडर्ड मॉडल में आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। दोस्तों ये 2 वेरियंट में आता है, स्टैंडर्ड मॉडल और डिलेक्स मॉडल। बात कर लेते हैं दोनों स्कूटर्स की टायर साइज की। एक्टिवा 6G की टायर मिलता है 90-90-12 ट्यूबलेस टायर आगे देखने को मिलेगा, और पीछे 90-90-10 ट्यूबलेस टायर। टीवीएस जुपिटर में आगे 90-90-12 ट्यूबलेस टायर और पीछे 90-90-12 ट्यूबलेस टायर। दोस्तों टायर साइज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन व्हील साइज में आपको फर्क देखने को मिल जाता है एक्टिवा 6G में। आपको पीछे का व्हील थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा, 10 इंच का व्हील देखने को मिलेगा, यानी कि एक्टिवा 6G में आपको आगे थोड़ा सा ऊपर उठा रहेगा और पीछे थोड़ा सा नीचे झुका रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ब्रेकिंग की बात करते हैं, ब्रेकिंग में कोई फर्क नहीं है, आपको आगे पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलने वाला है दोनों ही स्कूटर्स में। और दोस्तों इसमें आपको CBS मिलेगा एक्टिवा 6G में, ये आपको जो TVS की जुपिटर में SBT टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। एक्टिवा 6G में आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और पीछे 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। TVS जुपिटर में आगे टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और पीछे 3-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक डैम्पर देखने को मिलेगा। सस्पेंशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों, दोनों में कंफर्टेबल रहने वाला है। बात करते हैं दोनों स्कूटर्स की डायमेंशंस की। तो यहाँ पे एक्टिवा 6G की लंबाई मिल जाती है 1833 mm, चौड़ाई मिल जाती है 697 mm और हाइट मिल जाती है 1056 mm। टीवीएस जुपिटर की लंबाई मिलती है 34 mm, चौड़ाई 697 mm, हाइट मिलती है 1286 mm। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हाइट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है टीवीएस की जुपिटर में, क्योंकि इसके आगे और पीछे पहिया दोनों बड़ा देखने को मिलता है कंपेयर टू एक्टिवा 6G के मुकाबले। एक्टिवा 6G में व्हील बेस मिलता है 1260 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 171 mm,
फ्यूल टैंक 5.3 लीटर, सीट हाइट 765 mm, गाड़ी का वजन 107 kg। टीवीएस जुपिटर की बात करते हैं, जिसकी व्हील बेस मिल जाता है 1275 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm, फ्यूल टैंक 6 लीटर, सीट हाइट 765 mm, गाड़ी का वजन 109 kg। दोस्तों यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिल रहा है आपको डायमेंशन में, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, आपको थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा देखने को मिल जाता है एक्टिवा सिटी जी में, तो कहने की इंजन की सेफ्टी बढ़ जाती है कंपेयर टू जुपिटर के मुकाबले। और दोस्तों लगभग दोनों में ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे माइलेज की बात कर लेते हैं, दोनों में आपको ठीक ठाक माइलेज मिल जाएगा, आपको 60 से 65 तक की माइलेज मिल जाएगा टीवीएस के जुपिटर में भी और एक्टिवा 6G में भी। अगर यहीं पे दोस्तों अगर दोनों बाइक की शोरूम प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ मैं दिल्ली शोरूम प्राइस बताने वाला हूँ आपको। एक्टिवा 6G पड़ जाएगा 64,464 रुपये स्टैंडर्ड मॉडल और 65,964 रुपये पड़ जाएगा डिलक्स मॉडल। और इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग आपको 75,000 से ऊपर ही रहने वाली है, लगभग 80,000 तक की भी पहुँच सकती है। टीवीएस की जुपिटर की बात करते हैं दोस्तों, ये आपको 3 वेरिएंट में मिलता है, आपको 62,062 रुपये पड़ जाएगा और 64,062 रुपये पड़ जाएगा ZX मॉडल, और क्लासिक मॉडल पड़ जाएगा 68,562 रुपये। और दोस्तों इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 75,000 से लगभग 80,000 तक की रहने वाली है, तो आपको यहाँ 405,000 रुपये महंगी देखने को मिल जाता है टीवीएस की जुपिटर। दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं और पूरी कंपैरिजन देख ली है दोस्तों, तो आपको दोनों स्कूटर में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है दोस्तों। टायर डायमेंशन, पावर पिकअप में दोस्तों कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको टायर भी ठीक ठाक मिल जाता है, आपको थोड़े से छोटे टायर देखने को मिलता है एक्टिवा 6G में। और दोस्तों फर्क है तो यहाँ पे दोनों स्कूटर्स में फीचर्स में, टीवीएस की अपनी फीचर्स है और होंडा की अपनी फीचर्स है दोस्तों। कंपैरिजन में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला मुझे, आपको कौन सा पसंद है दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक्टिवा 6G पसंद है या फिर टीवीएस की जुपिटर। मेरा मानना है दोस्तों दोनों स्कूटर अपने अपने जगह पे ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई मन में क्वेश्चन है दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।